चलिए दोस्तों, हम आज आप सबको सिखाएंगे कि बैंगन का कचरी किस तरह से बनाते हैं। तो अभी हम इसको फटाफट से काट लेते हैं, थोड़ा वीडियो को स्लो करके। तो आप लोग बने रहिएगा और आप लोग सीखिएगा कि किस तरह से बैंगन का कचरी बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम वीडियो को फास्ट कर लेते हैं। अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी हम आपको लाइव प्रूफ बना के दिखाने वाले हैं। ये हमारा हो गया है कटा हुआ। अब इसमें लेते हैं लहसुन और इसको छील के डालेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे, ये देख रहे हैं कितना सा मिर्ची लिए हैं, अब इसको तोड़ के इसमें डालेंगे और थोड़ा सा अदरक, और इन सभी को काट के हम अभी इसमें थोड़ा सा प्याज भी दे देते हैं और इसके अच्छी तरह से पीस के और इसको मिलाएंगे बेसन में। तो आप लोग बने रहिएगा और देखते रहिए। और देखिए हमारा ये बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुका है। अब हम इसको थाली में पलटेंगे। तो ये देखिए इसमें बेसन डाल रहे हैं हम। अब इसमें एक गिलास पानी दे देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिला के, ये हमारा गरम मसाला और इसके बाद ये है बेज मसाला और हमारा ये है धनिया और ये है मिर्ची का पाउडर और ये हमारा सबसे टेस्टी मसाला हम, ये है हल्दी। हम इसको अच्छी तरह से अब मिलाएंगे और थोड़ा नमक दे देते हैं इसमें ताकि अच्छी तरह से हमारा आ जाए। और ये जीरा डाल दिए हैं दोस्तों और देख रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से इसको मिला रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। अब इसको हम बैंगन को थोड़ा सा धो लेते हैं और इसको अच्छी तरह से पानी निकालने के बाद चूल्हा जला लेते हैं। देखिए हमारा आग लग चुका है और हम इसको अच्छी तरह से पकड़ा लेते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए स्किप मत कीजिएगा। और ये हम तेल डाल चुके हैं इसमें। उसके बाद अब हम इसमें मिला के डालेंगे जो हम कचरी बनाने वाले हैं। तो आप लोग का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से तेल गर्म हो गया है, हम इसको बना के उतारने वाले हैं। आज तो बहुत ही मज़ा आने वाला है हम लोग को खाने में, आप लोग भी आइएगा खाने के लिए। ये देखिए बहुत, ये आप सब खाने के लिए किस तरह से कचरी तैयार हो गया है, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आप सब खाइए और बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करके उसको लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।